तो प्रोग्राम है हमारा राइट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इन आर्म टू कॉपी 8 कंसेक्यूटिव वर्ड्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इन मेमोरी यूजिंग मल्टीपल रजिस्टर ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। तो हमने फर्स्ट पार्ट ये कंप्लीट किया है जिसमें हमने ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ को इनपुट किया है मेमोरी लोकेशन में, और सेकेंड पार्ट ये किया है जिसमें हमने एक मेमोरी लोकेशन से दूसरे मेमोरी लोकेशन में हमने डाटा ट्रांसफ़र किया है। तो फर्स्ट हम इनिशियलाइज कर लेते हैं दो वेरिएबल को। एक वेरिएबल लेंगे हम वैल्यू 1, जिसमें हमने ये मेमोरी लोकेशन E001D022 मेमोरी लोकेशन डिफाइन की है, और दूसरा वेरिएबल हम डिफाइन कर लेते हैं वैल्यू 2, जिसमें हमने मेमोरी लोकेशन कंसिडर किया है E001D000। तो इस लोकेशन के ऊपर जो वैल्यू 2 है, इस वैल्यू 2 के ऊपर आपने 8 कंसेक्यूटिव वर्ड या नंबर्स जो हैं वो स्टोर करने हैं। तो उसको हम लोड कर लेंगे R0 रजिस्टर में। R0 रजिस्टर में हम इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे LDR। LDR की फुल फॉर्म होती है लोड रजिस्टर, LD लोड, R हो गया रजिस्टर। कौन से रजिस्टर को आपने लोड करना है? R0 रजिस्टर को लोड करना है, और वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी है इसकी। इस वैल्यू से आपने इसको 32 वैल्यू जो है, ये बिट की वैल्यू जो है, इस वैल्यू से आपने R0 को इनिशियलाइज कर देना है। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट टास्क है, हमने R1 रजिस्टर में 01 ट्रांसफ़र कर देना है। तो इस 01 को ट्रांसफ़र करने का फ़ायदा ये होगा कि हम इसको लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे तो 1 by 1 कंसेक्यूटिवली आप नेक्स्ट नंबर को उसमें इंक्रीमेंट करते रहोगे, स्टोर करते रहोगे। जैसे हम एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे हमने ये नंबर डायरेक्टली R1 में ले लिया, उसके बाद लूप में हमने ये दो इंस्ट्रक्शन यूज़ की हैं। इसमें हमने STR स्टोर इंस्ट्रक्शन यूज़ किया है, जिसमें R0 को एज ए मेमोरी कंसिडर किया है। जब भी हम ये ब्रैकेट में लिखते हैं, इन ब्रैकेट का मतलब होता है कि R0 एज ए मेमोरी कंसिडर हो गई। तो ये एक मेमोरी ब्लॉक है, मान लो इस मेमोरी ब्लॉक में आपके 8 नंबर्स आपके स्टोर होने हैं। तो इन नंबर्स को आपने स्टोर करना है, 8 नंबर्स को। तो R0 आपकी इनिशियलाइज हो रही है मान लो 1D000 से। 1D000 ये फर्स्ट लोकेशन है इसकी, इन फर्स्ट लोकेशन आपकी यहाँ पे है। मूव एस R1, LSL #1। #1 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने लेफ्ट शिफ्ट मूव करना है R1 रजिस्टर में जो भी वैल्यू होगी। तो हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है इस रजिस्टर में, तो जैसे हमारी 01 है, तो 01 को हम बाइनरी में लिख सकते हैं। किस तरह से हम बाइनरी में लिख सकते हैं 01 को? 01 को हम बाइनरी में लिख सकते हैं 4 times 0 और 001 0001। तो इसको आपने क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट मूव करना है। लेफ्ट शिफ्ट कितने टाइम? 1 टाइम। तो जब आप इसको शिफ्ट करोगे नेक्स्ट पोजीशन पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0000010। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास? इसका मतलब है 02। फर्स्ट केस में हमारा यहाँ पे क्या सेव हो जाएगा इस लोकेशन पे? 01। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे क्या सेव हो जाएगा? 02। अब ये 02 ये नंबर है आपका, कितने बिट का नंबर है ये? 32 बिट का नंबर है ये। तो 32 बिट का जो नंबर है, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे 8 बिट का जो नंबर है, जैसे 00 00 00 00, ये 8 बिट हो गया, ये 8 बिट हो गया, ये 8 बिट हो गया, ये 8 बिट हो गया। इसीलिए हमने यहाँ पे 1 2 3 और 4, तो 4 टाइम हमने यहाँ पे क्या किया, इसको इंक्रीमेंट किया है यहाँ पे। तो ये कॉन्सेप्ट है कि हमने 4 टाइम इस नंबर को यहाँ पे क्या किया है, इंक्रीमेंट किया है। अब नेक्स्ट आ जाओ आप, लेफ्ट शिफ्ट अगर हम मूव करेंगे इसको,
नेक्स्ट नंबर फोर टाइम इंक्रीमेंट होके, ये कितनी टाइम, फोर टाइम इंक्रीमेंट होके नेक्स्ट नंबर सेव हो जाएगा। तो मतलब हमारी मेमोरी लोकेशन यहाँ पे क्या होगी, 1D004 नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन, क्योंकि इंक्रीमेंट हो गया। अब यहाँ पे हमने लूप लगाया हुआ है BNE, ब्रांच इफ नॉट इक्वल, ब्रांच इफ नॉट इक्वल चेक करेगी जीरो फ्लैग को। जब तक ये नंबर आपका लेफ्ट शिफ्ट होके ज़ीरो नहीं हो जाएगा, तब तक आप क्या करते रहोगे, इन वैल्यूज़ को आप प्लेस करते रहोगे। हमारा मोटिव क्या है, 8 नंबर्स को आपने स्टोर करना है। तो हमने इनिशियल केस में वैल्यू कितनी ली है, ये आपका 8 बिट नंबर है, तो 4 बिट आपकी ये है, 4 बिट आपकी ये है, तो टोटल 8 टाइम्स ये मूव करेगा लेफ्ट शिफ्ट को, तो रिज़ल्ट आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह से जब आप, आपका जो नंबर होगा, अब आप यहाँ सेकंड, इस सेकंड पोजीशन पे हैं, तो आपका नंबर है 04 times 0 0010। जब आप इसको वन टाइम शिफ्ट करोगे, तो वन टाइम शिफ्ट करने पे तो रिज़ल्ट आपका हो जाएगा 0100। तो इस लोकेशन को आप बाइनरी में क्या बोलते हो, ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा आपका 4। तो नेक्स्ट लोकेशन पे आपका क्या आएगा, 4 स्टोर हो जाएगा। और ये R0 मेमोरी लोकेशन में आप 4 दोबारा से ऐड कर दोगे, तो हमारा एड्रेस हो जाएगा 10008 एड्रेस पे आपका ये 04 स्टोर हो गया। नेक्स्ट हम 04 मेमोरी लोकेशन ये जो है, इसको फिर से आप वन शिफ्ट करोगे, तो यहाँ पे आएगा आपका 4 times 0 1000। तो इसको हम बाइनरी में लिखते हैं 0 और ये हो गया बाइनरी में आपका 8। तो नेक्स्ट लोकेशन क्या होगी, यहाँ पे 1D00 और ये होगा आपका 8 के बाद 4 लोकेशन। 12 को हम कैसे लिखते हैं, 12 को हम लिखते हैं सी से, सी, तो यहाँ पे आप क्या वैल्यू स्टोर करोगे, 8 वैल्यू, क्योंकि ये 8 वैल्यू आ गया। इस तरह से हम नेक्स्ट वैल्यूज़ को इसी तरह से हम स्टोर करते रहेंगे। तो इस लूप में आपकी 10 जो 8 वैल्यूज़ हैं वो स्टोर हो जाएंगी। जब आप लास्ट वैल्यू को, 8th वैल्यू को स्टोर करोगे, तो हमारा रिज़ल्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट क्या आएगा, 0000000। तो ये कंप्लीट रिज़ल्ट आपका 00 आ जाएगा, क्योंकि जब लास्ट पोजिशन पर होंगे, तो यहाँ पे हमने S यूज़ किया है, मूव S। S जो है ये फ्लैग्स को, साइन फ्लैग्स को, मतलब जो भी फ्लैग्स होंगे उनको सेट कर देगा। तो यहाँ पे 0 फ्लैग आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे ही 0 फ्लैग 1 होगा, आप इस लूप से एग्ज़िट कर जाओगे। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया कि हमने 8 जो नंबर्स थे, 8 नंबर्स जो थे ये इनपुट हमने ऑटोमेटिकली करवा लिए। अब नेक्स्ट फेज़ होता है कि ये जो मेमोरी लोकेशन है D000, ये आपका 1D000 था, जैसे E001D000, इस मेमोरी लोकेशन पे ये वैल्यूज़ आपने स्टोर कर ली। अब इन वैल्यूज़ को आपने दूसरे मेमोरी लोकेशन में ट्रांसफ़र करना है। दूसरा मेमोरी लोकेशन है हमारे पास E001D022, इस मेमोरी लोकेशन पे आपने इन वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आ जाओ। यहाँ पे LDR इंस्ट्रक्शन हमने लोड करने के लिए यूज़ की, LD हो गया लोड, R हो गया रजिस्टर, R0 को हमने इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू 2 से। वैल्यू 2 में हमने वैल्यू डिफाइन किया है E001D00, इस 000, इस लोकेशन से आपने R0 को इनिशियलाइज कर दिया। अब यहाँ पे LD का मतलब हो गया लोड, M का मतलब हो गया मेमोरी, IA का मतलब होता है इंक्रीमेंट आफ्टर। तो हमने मेमोरी को लोड करना है किससे, इंक्रीमेंट आफ्टर, उसके बाद इंक्रीमेंट करना है आपने 1x1। तो R1 to R8 रजिस्टर्स जो हैं, ये वैल्यूज़ कहाँ पे चली जाएगी, इस मेमोरी लोकेशन से जो भी आपके कंटेंट होंगे वो
सेव हो जाएंगे R1 टू R8। जैसे ये वैल्यू होगी R1 की, ये वैल्यू हो जाएगी R2 की, ये वैल्यू हो जाएगी R3 की, और इसी तरह से ये वैल्यू हो जाएगी R4 की, और कंटिन्यूस ये 8 वैल्यूज़ हैं, तो लास्ट वैल्यू R8 की रहेगी। तो इनिशियलाइज हो गए आपके R1 से लेके R8 रजिस्टर्स। अब आप क्या करोगे, वैल्यू 1, ये जो मेमोरी लोकेशन है वैल्यू 1, इसको आप R0 में प्लेस करोगे। LD लोड, R मतलब रजिस्टर, R0 रजिस्टर को आप दोबारा से लोड करोगे। तो R0 में वैल्यू 1 क्या है आपकी, E001D022, इस मेमोरी लोकेशन से आप लोड कर दोगे। ये मेमोरी लोकेशन है आपकी वैल्यू 1 में। उसके बाद आप यूज करोगे इंस्ट्रक्शन स्टोर के लिए, आप इस इंस्ट्रक्शन यूज करोगे STMIA। ST हो गया स्टोर, M हो गया मेमोरी, IA इंक्रीमेंट आफ्टर। कौन से रजिस्टर को, R0 रजिस्टर को आप, R0 में क्या है आपका, ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे R1 टू R8 आपके स्टोर हो जाएंगे। तो जो नेक्स्ट एड्रेस होगा आपका, तो जो नेक्स्ट एड्रेस होगा, मान लो ये आपका जो नेक्स्ट एड्रेस है यहाँ पे, तो ये R1 से आपका रजिस्टर से जो वैल्यू है 01 यहाँ स्टोर हो जाएगी, R2 से 02 यहाँ स्टोर हो जाएगी, R3 से 04 यहाँ आएगी, R4 से 08 यहाँ पे आ जाएगी, और ये मेमोरी लोकेशन होगा E001D022। तो डायरेक्टली आप इस तरह से डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो दोस्तों सिंपल प्रोग्राम था, इसमें हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया था। फर्स्ट में हमने ऑटोमेटिकली नंबर को लोड किया, सेकंड पार्ट में हमने डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर दी R0 को, और R0 से R1 टू R8 रजिस्टर को इनिशियलाइज किया, और उनसे हमने दूसरे मेमोरी ब्लॉक में डाटा ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कील वर्जन 4 आपने फाइंड आउट करना है, म्यू वर्जन 4 कील का ये सॉफ्टवेयर ओपन करना है आपने। ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पे प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है आपने। न्यू प्रोजेक्ट का आप नाम यहाँ पे दे सकते हो। तो हमारा प्रोग्राम जो है ये है प्रोग्राम, आपने रजिस्टर को, आपने रजिस्टर ब्लॉक जो है, रजिस्टर ब्लॉक ट्रांसफर हमारा ये प्रोग्राम है, ये हमने प्रोजेक्ट का नाम देके सेव कर लिया। यहाँ पे आप आर्म प्रोसेसर पिक इंडियन आप सिलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास टारगेट और सोर्स ग्रुप जनरेट हो जाएंगे। यहाँ पे आप फाइल को न्यू क्रिएट करो आपके केस में, अगर हमने यहाँ पे फाइल ऑलरेडी बना रखी है इसलिए हम फाइल डायरेक्टली ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो प्रोग्राम बनाया था ट्रांसफ़र मल्टीपल बर्ड का जो प्रोग्राम था, इसको हम ओपन कर रहे हैं, और इस प्रोग्राम को आप इस सोर्स ग्रुप के अंडर ऐड करोगे। तो ऐड करने के लिए राइट क्लिक करके आप ऐड फाइल टू द ग्रुप, सोर्स ग्रुप में आप ऐड करोगे इसको। यहाँ पे आपने सेम जो प्रोग्राम का नाम है ट्रांसफ़र मल्टीपल बर्ड्स, वो आपने लिखना है। .asm की फाइल जो आपने सेव की होगी उसको आपने यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है और इसको क्लोज करना है। जो प्लस का साइन है, यहाँ पे आपकी फाइल ऐड हो चुकी है। इस फाइल के ऊपर आप राइट क्लिक करके बिल्ड टारगेट करोगे। जैसे ही आप बिल्ड टारगेट करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉपअप होगा कि कितने एरर हैं और कितनी वार्निंग्स हैं। हमारे केस में कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, मतलब हमारा प्रोग्राम एक्यूरेट है। सेम प्रोग्राम है ये जैसा मैंने वाइट बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ पे हमने इनपुट वैल्यू
जो वेरिएबल डिफाइन किया था वैल्यू टू, ये मैंने वैल्यू टू वेरिएबल डिफाइन किया था, ये आर ज़ीरो में प्लेस किया। आर वन में हमने इमिडिएटली वैल्यू 01 ट्रांसफ़र कर दी। उसके बाद लूप में हमने ये दो इंस्ट्रक्शन यूज़ किए हैं, पहले हमने स्टोर यूज़ कर लिया जिसमें हमने जो मेमोरी लोकेशन है उसमें आपने वैल्यूज़ को 8 वैल्यूज़ को स्टोर करना है। तो आर ज़ीरो में हमने एड्रेस दिया है उस मेमोरी लोकेशन का, तो यहाँ पे आप स्टोर कर लोगे। मूव एस हमने यूज़ किया है स्टेटस को इफेक्ट करने के लिए, और जो आर वन में जो वैल्यू है उसको लेफ्ट शिफ्ट मूव करने पे, तो जो भी 01 होगी वैल्यू आपकी लेफ्ट शिफ्ट करेगी 1-1 टाइम, और 8 टाइम वो कंसेक्यूटिवली मूव करेगी, और उसी तरह से आपके नंबर्स जो हैं वो स्टोर होते रहेंगे आर ज़ीरो लोकेशन के ऊपर जो भी एड्रेस होगा प्लस 4 ऐड करने पे। ये लूप से बाहर आएगा जब आपका कंप्लीट जो रिज़ल्ट होगा वो 0 हो जाएगा, तो 0 फ्लैग सेट हो जाएगा, उसको चेक करके ये तभी लूप से बाहर आएगा। यहाँ पे सेम हमने वैल्यू 2 को आर ज़ीरो से इनिशलाइज कर दिया और आर 1 टू आर 8 को लोड कर दिया। यहाँ पे वैल्यू 1 में हमने दोबारा से जो दूसरा एड्रेस था वो हमने आर ज़ीरो को लोड कर लिया, आर 1 और आर 8 में जो भी वैल्यू थी वो हमने स्टोर करवा दी, जो भी मेमोरी लोकेशन आपका आर ज़ीरो में है, और इस तरह से हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो गया। बिल्ड करने के बाद आप क्या करोगे, डिबग में स्टार्ट इसको डिबगिंग करोगे, ओके प्रेस करने पे आपकी ये न्यू विंडो पॉपअप होगी। लेफ्ट साइड आप जितने भी रजिस्टर देख रहे हो ये 1 by 1 जब आप एग्जीक्यूट करोगे स्टेप एग्जीक्यूशन तो ये अफेक्ट होंगे। तो हमारा कर्सर मेन प्रोग्राम में फर्स्ट लाइन पे यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उससे पहले हमें इनिशलाइज करना पड़ेगा अपने जो भी मेमोरी लोकेशन है। जैसे हमने ये मेमोरी लोकेशन दी है E001D000, इस मेमोरी लोकेशन को आपने मैप करना है, क्योंकि जो प्रोग्राम मेमोरी है वो राइटेबल नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है 0x जो भी आपने मेमोरी लोकेशन दी है कॉमा 0x और जो भी लास्ट मेमोरी लोकेशन आप देना चाहोगे, हमारे केस में यहाँ पे 0E D00 और यहाँ पे हम इसको इनिशलाइज कर देते हैं। मान लो लेफ्ट लास्ट वाला एड्रेस जो है आपका FFF 3 टाइम आपने FF ले लिया, इसको एक्सेस कर लो रीड राइट और एग्जीक्यूट के लिए और मैप कर लो रेंज को, इसको कॉपी कर लो एड्रेस को, क्योंकि अगर दोबारा आपने एग्जीक्यूट करना है तो ये हमें दोबारा फीड करना पड़ेगा इस तरह से क्लोज करने पे। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करेंगे, तो फर्स्ट लोड होना चाहिए आर ज़ीरो आपका वैल्यू 2 से, वैल्यू 2 में आपने ये वैल्यू डिफाइन की हुई है, तो इस वैल्यू से आपका आर ज़ीरो क्या होना चाहिए, लोड होना चाहिए। तो ये आर ज़ीरो लोड हो गया इसी वैल्यू से। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में आपका 01 ट्रांसफ़र होना चाहिए, कौन से रजिस्टर में, आर वन में, तो 01 ये ट्रांसफ़र हो गया आर वन में। नेक्स्ट स्टोर इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे आगे आपने एड्रेस जो है आर ज़ीरो जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे एज ए एड्रेस कंसिडर होगा, आर वन की वैल्यू इस एड्रेस में आपने प्लेस कर देनी है और 4 इंक्रीमेंट करना है उसके बाद। तो जब आप यहाँ पे मेमोरी पे देखोगे, मेमोरी पे आपने कौन से एड्रेस पे स्टोर करना है, ये D000 पे आपने स्टोर करना है, तो आप यहाँ पे चेंजेस देखोगे। तो जब मैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे फर्स्ट जो 4 लोकेशन है 1, 2, 3 और 4 ये लाइट ब्लैक हो गई हैं, यहाँ पे फर्स्ट लोकेशन पे 01 आ चुका है, तो मतलब आपका जो आर वन में वैल्यू थी वो आर ज़ीरो में ट्रांसफ़र हो चुकी है। आर ज़ीरो को हमने कौन से मेमोरी लोकेशन से इनिशलाइज़ किया था, इस मेमोरी लोकेशन से इनिशलाइज़ किया था, तो इस मेमोरी लोकेशन पे यहाँ पे आर ज़ीरो में फर्स्ट वैल्यू स्टोर हो चुकी है। अब आप जैसे ही नेक्स्ट पे जाओगे दोबारा से आपके जो आर वन रजिस्टर में वैल्यू होगी वो इंक्रीमेंट होके
02 आ जाएगी। तो मैंने जैसे बताया जब आप लेफ्ट शिफ्ट करोगे 01 को तो उसकी नेक्स्ट लोकेशन क्या हो जाएगी 02। तो 02 आपने कहाँ सेव करना है, अब यहाँ पे R0+4 लोकेशन पे, क्योंकि यहाँ पे 8-8 बिट के ये 4 लोकेशन है, तो नेक्स्ट लोकेशन आपकी 4 ये होनी चाहिए। तो जैसे ही आप एग्जीक्यूट करते हो इसको तो आपकी नेक्स्ट लोकेशन पे आपके पास 02 और ये 4 लोकेशन 0 से फिल हो जाती हैं। इसी तरह से आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, और ये एग्जीक्यूट कब तक होगा, जब तक आपका जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो जब आपकी R1 की वैल्यू यहाँ पे अभी 0 होगी, 0 होने के बाद इसने ये साइन फ्लैग इफेक्ट हो गया तो लूप से बाहर आ गया, और अभी हम पॉइंट कर रहे हैं इस लोकेशन पे। और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो ये 4 लोकेशन है, ये 4 लोकेशन है, ऐसी 8 वैल्यूज आपकी स्टोर हो चुकी हैं यहाँ पे 80 तक। तो जैसे ही आप इस लूप से बाहर आए, अब आपने मल्टीपल रजिस्टर ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के थ्रू प्रोग्राम को करना है। तो हमारा वैल्यू 2 इनिशियलाइज कर दिया आपने R0 से, तो वैल्यू 2 में कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है। आपने यहाँ से वैल्यू फेच करके R1 टू R8 रजिस्टर में प्लेस करनी है। तो जैसे ही मैंने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया, R0 में आपका ये एड्रेस स्टोर हो गया, और जैसे मैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करूँगा तो LDM लोड मेमोरी इंक्रीमेंट आफ्टर, तो ये जो मेमोरी में जो वैल्यू होगी वो R1 टू R8 रजिस्टर में लोड हो जाएगी। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे R1 टू R8 रजिस्टर में जो वैल्यू है वो लोड हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट पॉइंटर है हमारा कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, LDR R0 कॉमा वैल्यू 1। अब वैल्यू 1 कौन सा है, जो सेकंड मेमोरी लोकेशन है 22, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो 22 मेमोरी लोकेशन के ऊपर हम यहाँ पे चेक करेंगे D022 पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी मेमोरी लोकेशन ये D022 यहाँ पे शो हो रही है। तो ये जितनी भी रजिस्टर्स में वैल्यू हैं, आप पहले तो R0 को लोड कर लोगे इस मेमोरी लोकेशन से, तो R0 आपका लोड हो गया इस मेमोरी लोकेशन से। अब आपका पॉइंटर पॉइंट कर रहा है स्टोर मेमोरी इंक्रीमेंट आफ्टर R0। तो R0 जो ये मेमोरी लोकेशन है, इस मेमोरी लोकेशन में आपका R1 टू R8 जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी ट्रांसफ़र हो जाएंगी R0 लोकेशन पे, इस लोकेशन के ऊपर। तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको। तो जैसे ही हमने एग्जीक्यूट किया तो जो ये वैल्यूज़ थी वो सारी वैल्यूज़ आपकी इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर हो गई 22, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम जिसमें 32 बिट नंबर का 8 कंसेक्यूटिव वर्ड का एक फर्स्ट ब्लॉक है, उस ब्लॉक में से आपने जो वर्ड्स हैं या नंबर्स हैं उनको ट्रांसफ़र करना है आपने दूसरे मेमोरी ब्लॉक में। तो यहाँ पे जो हमारी टास्क है, हमने R1 टू R8 रजिस्टर ये लेने हैं, सारे कंसेक्यूटिव जो नंबर्स हैं उनको हम R1 टू R7 जो नंबर रजिस्टर्स हैं उनमें प्लेस करेंगे, और R1 टू R7 जो रजिस्टर्स में जो वैल्यू होगी उनको कंटिन्यूसली आप कंसेक्यूटिवली दूसरी मेमोरी लोकेशन पे आप ट्रांसफ़र कर दोगे। तो ये टास्क है। फर्स्ट हम इनपुट कर सकते हैं जो 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, 2 टाइप्स में आप कर सकते हो उनकी इनपुट। एक तो मैनुअली आप मेमोरी मैप में जाके उनकी वैल्यू को असाइन कर सकते हो, और दूसरी टास्क है हम ऑटोमेटिकली उन रजिस्टर्स में वैल्यू को प्लेस करें। तो दोस्तों इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया इस प्रोग्राम को, तो देखते हैं किस तरह से प्रोग्राम वर्क करता है। तो प्रोग्राम है हमारा राइट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इन आर्म टू कॉपी 8 कंसेक्यूटिव वर्ड्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इन मेमोरी यूजिंग मल्टीपल रजिस्टर ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। तो हमने
फर्स्ट पार्ट ये कंप्लीट किया है जिसमें हमने ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ को इनपुट किया है मेमोरी लोकेशन में, और सेकंड पार्ट ये किया है जिसमें हमने एक मेमोरी लोकेशन से दूसरे मेमोरी लोकेशन में हमने डाटा ट्रांसफ़र किया है। तो फर्स्ट हम इनिशलाइज कर लेते हैं दो वेरिएबल को। एक वेरिएबल लेंगे हम वैल्यू 1, जिसमें हमने ये मेमोरी लोकेशन E001D022 मेमोरी लोकेशन डिफाइन की है, और दूसरा वेरिएबल हम डिफाइन कर लेते हैं वैल्यू 2, जिसमें हमने मेमोरी लोकेशन कंसिडर किया है E001D000। तो इस लोकेशन के ऊपर जो वैल्यू 2 है, इस वैल्यू 2 के ऊपर आपने 8 कंसेक्यूटिव वर्ड या नंबर्स जो हैं वो स्टोर करने हैं। तो उसको हम लोड कर लेंगे R0 रजिस्टर में। R0 रजिस्टर में हम इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे LDR। LDR की फुल फॉर्म होती है लोड रजिस्टर, LD लोड, R हो गया रजिस्टर। कौन से रजिस्टर को आपने लोड करना है? R0 रजिस्टर को लोड करना है, और वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी है इसकी। इस वैल्यू से आपने इसको 32 वैल्यू जो है, ये बिट की वैल्यू जो है, इस वैल्यू से आपने R0 को इनिशियलाइज कर देना है। जो नेक्स्ट टास्क है, हमने R1 रजिस्टर में 01 ट्रांसफ़र कर देना है। तो इस 01 को ट्रांसफ़र करने का फ़ायदा ये होगा कि हम इसको लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे तो 1 by 1 कंसेक्यूटिवली आप नेक्स्ट नंबर को उसमें इंक्रीमेंट करते रहोगे, स्टोर करते रहोगे। जैसे हम एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे हमने ये नंबर डायरेक्टली R1 में ले लिया, उसके बाद लूप में हमने ये दो इंस्ट्रक्शन यूज़ की हैं। इसमें हमने STR स्टोर इंस्ट्रक्शन यूज़ किया है, जिसमें R0 को एज ए मेमोरी कंसिडर किया है। जब भी हम ये ब्रैकेट में लिखते हैं, इन ब्रैकेट का मतलब होता है कि R0 एज ए मेमोरी कंसिडर हो गई। तो ये एक मेमोरी ब्लॉक है, मान लो इस मेमोरी ब्लॉक में आपके 8 नंबर्स आपके स्टोर होने हैं। तो इन नंबर्स को आपने स्टोर करना है, 8 नंबर्स को। तो R0 आपकी इनिशियलाइज हो रही है, मान लो 1D000 से। 1D000 ये फर्स्ट लोकेशन है इसकी। फर्स्ट लोकेशन आपकी यहाँ पे है। मूव एस R1, LSL #1। #1 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने लेफ्ट शिफ्ट मूव करना है R1 रजिस्टर में जो भी वैल्यू होगी। तो हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है इस रजिस्टर में, तो जैसे हमारी 01 है, तो 01 को हम बाइनरी में लिख सकते हैं। किस तरह से हम बाइनरी में लिख सकते हैं 01 को? 01 को हम बाइनरी में लिख सकते हैं 4 times 0 और 001, 0001। तो इसको आपने क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट मूव करना है। लेफ्ट शिफ्ट कितने टाइम? 1 time। तो जब आप इसको शिफ्ट करोगे नेक्स्ट पोजीशन पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0000010। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास? इसका मतलब है 02। फर्स्ट केस में हमारा यहाँ पे क्या सेव हो जाएगा इस लोकेशन पे? 01। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे क्या सेव हो जाएगा? 02। अब ये 02 ये नंबर है आपका, कितने बिट का नंबर है ये? 32 बिट का नंबर है ये। तो 32 बिट का जो नंबर है, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे 8 बिट का जो नंबर है, जैसे 00000000, ये 8 बिट हो गया, ये 8 बिट हो गया, ये 8 बिट हो गया, ये 8 बिट हो गया। इसीलिए हमने यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, तो 4 टाइम हमने यहाँ पे क्या किया, इसको इंक्रीमेंट किया है यहाँ पे। तो ये कॉन्सेप्ट है कि हमने 4 time इस नंबर को यहाँ पे क्या किया है, इंक्रीमेंट किया है। अब नेक्स्ट आ जाओ आप, लेफ्ट शिफ्ट अगर हम मूव करेंगे इसको, तो नेक्स्ट नंबर 4 time इंक्रीमेंट होके, ये कितने टाइम? 4 time इंक्रीमेंट होके नेक्स्ट नंबर सेव हो जाएगा। तो मतलब हमारी मेमोरी लोकेशन यहाँ पे क्या होगी? 1D004 नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन, क्योंकि इंक्रीमेंट हो गया।
अब यहाँ पे हमने लूप लगाया हुआ है बी एन ए ब्रांच इफ नॉट इक्वल, ब्रांच इफ नॉट इक्वल चेक करेगी जीरो फ्लैग को। जब तक ये नंबर आपका लेफ्ट शिफ्ट होके ज़ीरो नहीं हो जाएगा तब तक आप क्या करते रहोगे, ये वैल्यूज़ को आप प्लेस करते रहोगे। हमारा मोटिव क्या है, एट नंबर्स को आपने स्टोर करना है। तो हमने इनिशियल केस में वैल्यू कितनी ली है, ये आपका 8-बिट नंबर है, तो 4-बिट आपकी ये है, 4-बिट आपकी ये है, तो टोटल 8 टाइम्स ये मूव करेगा लेफ्ट शिफ्ट को, तो रिज़ल्ट आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह से जब आपका जो नंबर होगा, अब आप यहाँ सेकंड पोजीशन पे हैं, तो आपका नंबर है 04 times 0 0010। जब आप इसको 1 टाइम शिफ्ट करोगे तो 1 टाइम शिफ्ट करने पे तो रिज़ल्ट आपका हो जाएगा 0100। तो इस लोकेशन को आप बाइनरी में क्या बोलते हो, ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा आपका 4। तो नेक्स्ट लोकेशन पे आपका क्या आएगा, 4 स्टोर हो जाएगा। और ये R0 मेमोरी लोकेशन में आप 4 दोबारा से ऐड कर दोगे तो हमारा एड्रेस हो जाएगा 10008 एड्रेस पे आपका ये 04 स्टोर हो गया। नेक्स्ट हम 04 मेमोरी लोकेशन ये जो है इसको फिर से आप 1 शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 4 times 0 1000। तो इसको हम बाइनरी में लिखते हैं 0 और ये हो गया बाइनरी में आपका 8। तो नेक्स्ट लोकेशन क्या होगी, यहाँ पे 1D00 और ये होगा आपका 8 के बाद 4 लोकेशन 12। 12 को हम कैसे लिखते हैं, 12 को हम लिखते हैं सी से, सी तो यहाँ पे आप क्या वैल्यू स्टोर करोगे, 8 वैल्यू, क्योंकि ये 8 वैल्यू आ गया। इस तरह से हम नेक्स्ट वैल्यूज़ को इसी तरह से हम स्टोर करते रहेंगे। तो इस लूप में आपकी 10 जो 8 वैल्यूज़ हैं वो स्टोर हो जाएंगी। जब आप लास्ट वैल्यू को 8th वैल्यू को स्टोर करोगे तो हमारा रिज़ल्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट क्या आएगा, 0000000। तो ये कंप्लीट रिज़ल्ट आपका 00 आ जाएगा, क्योंकि जब लास्ट पोजीशन पे होंगे तो यहाँ पे हमने एस यूज़ किया है, मूव एस। एस जो है ये फ्लैग्स को, साइन फ्लैग्स को, मतलब जो भी फ्लैग्स होंगे उनको सेट कर देगा। तो यहाँ पे 0 फ्लैग आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे ही 0 फ्लैग 1 होगा आप इस लूप से एग्जिट कर जाओगे। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया कि हमने 8 जो नंबर्स थे, 8 नंबर्स जो थे ये इनपुट हमने ऑटोमेटिकली करवा लिए। अब नेक्स्ट फेज़ होता है कि ये जो मेमोरी लोकेशन है D000, ये आपका 1D000 था, जैसे E00 1D000, इस मेमोरी लोकेशन पे ये वैल्यूज़ आपने स्टोर कर ली। अब इन वैल्यूज़ को आपने दूसरे मेमोरी लोकेशन में ट्रांसफ़र करना है। दूसरा मेमोरी लोकेशन है हमारे पास E001D022, इस मेमोरी लोकेशन पे आपने इन वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आ जाओ। यहाँ पे LDR इंस्ट्रक्शन हमने लोड करने के लिए यूज़ की, LD हो गया लोड, R हो गया रजिस्टर, R0 को हमने इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू 2 से। वैल्यू 2 में हमने वैल्यू डिफाइन किया है E001D00, इस 000, इस लोकेशन से आपने R0 को इनिशियलाइज कर दिया। अब यहाँ पे LD का मतलब हो गया लोड, M का मतलब हो गया मेमोरी, IA का मतलब होता है इंक्रीमेंट आफ्टर। तो हमने मेमोरी को लोड करना है किससे, इंक्रीमेंट आफ्टर, उसके बाद इंक्रीमेंट करना है आपने 1x1। तो R1 टू R8 रजिस्टर्स जो हैं ये वैल्यूज़ कहाँ पे चली जाएगी, इस मेमोरी लोकेशन से जो भी आपके कंटेंट होंगे वो सेव हो जाएंगे R1 टू R8। जैसे ये वैल्यू होगी R1 की, ये वैल्यू हो जाएगी R2 की, ये वैल्यू हो जाएगी R3 की, और इसी तरह से ये वैल्यू हो जाएगी R4 की, और कंटिन्यूस ये 8
वैल्यूज़ हैं तो लास्ट वैल्यू आर एट की रहेगी। तो इनिशियलाइज हो गए आपके आर वन से लेके आर एट रजिस्टर्स। अब आप क्या करोगे, वैल्यू वन, ये जो मेमोरी लोकेशन है वैल्यू वन, इसको आप आर ज़ीरो में प्लेस करोगे। एल डी लोड, आर मतलब रजिस्टर, आर ज़ीरो रजिस्टर को आप दोबारा से लोड करोगे। तो आर ज़ीरो में वैल्यू वन क्या है आपकी, ई डबल ज़ीरो वन डी ज़ीरो डबल टू, इस मेमोरी लोकेशन से आप लोड कर दोगे। ये मेमोरी लोकेशन है आपकी वैल्यू वन में। उसके बाद आप यूज़ करोगे इंस्ट्रक्शन स्टोर के लिए, आप इस इंस्ट्रक्शन यूज़ करोगे एस टी एम आई ए। एस टी हो गया स्टोर, एम हो गया मेमोरी, आई ए इंक्रीमेंट आफ्टर। कौन से रजिस्टर को, आर ज़ीरो रजिस्टर को आप, आर ज़ीरो में क्या है आपका, ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे आर वन टू आर एट आपके स्टोर हो जाएंगे। तो जो नेक्स्ट एड्रेस होगा आपका, तो जो नेक्स्ट एड्रेस होगा, मान लो ये आपका जो नेक्स्ट एड्रेस है यहाँ पे, तो ये आर वन से आपका रजिस्टर से जो वैल्यू है 01 यहाँ स्टोर हो जाएगी, आर टू से 02 यहाँ स्टोर हो जाएगी, आर थ्री से 04 यहाँ आएगी, आर फोर से 08 यहाँ पे आ जाएगी, और ये मेमोरी लोकेशन होगा ई डबल ज़ीरो वन डी ज़ीरो डबल टू। तो डायरेक्टली आप इस तरह से डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो दोस्तों सिंपल प्रोग्राम था, इसमें हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया था। फर्स्ट में हमने ऑटोमेटिकली नंबर को लोड किया, सेकंड पार्ट में हमने डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर दी आर ज़ीरो को, और आर ज़ीरो से आर वन टू आर एट रजिस्टर को इनिशलाइज किया, और उनसे हमने दूसरे मेमोरी ब्लॉक में डाटा ट्रांसफ़र कर दिया। तो दोस्तों इसको हम किस तरह से अपने आम जो सॉफ्टवेयर है कील सॉफ्टवेयर, इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं कि आम का जो कील वर्जन है वो 4, उसमें ये ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म होता है। तो दोस्तों हमारे पास ऑलरेडी हमने टाइम को सेव करने के लिए ये प्रोग्राम बना के रखा है। तो किस तरह से हम इनिशियलाइज़ करते हैं, पहले हम देख लेते हैं इसको। हम क्लोज़ कर रहे हैं इस विंडो को ताकि आपको स्टार्टिंग से पता चले। स्टार्ट में आपने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे कील वर्जन 4 आपने फाइंड आउट करना है, म्यू वर्जन 4 कील का ये सॉफ्टवेयर ओपन करना है आपने। ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पे प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है आपने। न्यू प्रोजेक्ट का आप नाम यहाँ पे दे सकते हो। तो हमारा प्रोग्राम जो है ये है प्रोग्राम, आपने रजिस्टर को, आपने रजिस्टर ब्लॉक जो है, रजिस्टर ब्लॉक ट्रांसफ़र हमारा ये प्रोग्राम है, ये हमने प्रोजेक्ट का नाम देके सेव कर लिया। यहाँ पे आप आर्म प्रोसेसर पिक इंडियन आप सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास टारगेट और सोर्स ग्रुप जनरेट हो जाएंगे। यहाँ पे आप फाइल को न्यू क्रिएट करो आपके केस में, अगर हमने यहाँ पे फाइल ऑलरेडी बना रखी है इसलिए हम फाइल डायरेक्टली ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो प्रोग्राम बनाया था ट्रांसफ़र मल्टीपल बर्ड का जो प्रोग्राम था, इसको हम ओपन कर रहे हैं, और इस प्रोग्राम को आप इस सोर्स ग्रुप के अंडर ऐड करोगे। तो ऐड करने के लिए राइट क्लिक करके आप ऐड फाइल टू द ग्रुप, सोर्स ग्रुप में आप ऐड करोगे इसको। यहाँ पे आपने सेम जो प्रोग्राम का नाम है ट्रांसफ़र मल्टीपल वर्ड्स, वो आपने लिखना है। डॉट ए एस एम की फाइल
जो आपने सेव की होगी उसको आपने यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है और इसको क्लोज करना है। जो प्लस का साइन है यहाँ पे आपकी फाइल ऐड हो चुकी है। इस फाइल के ऊपर आप राइट क्लिक करके बिल्ड टारगेट करोगे। जैसे ही आप बिल्ड टारगेट करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉपअप होगा कि कितने एरर हैं और कितनी वार्निंग्स हैं। हमारे केस में कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, मतलब हमारा प्रोग्राम एक्यूरेट है। सेम प्रोग्राम है ये जैसा मैंने वाइट बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ पे हमने इनपुट वैल्यू जो वेरिएबल डिफाइन किया था वैल्यू टू, ये मैंने वैल्यू टू वेरिएबल डिफाइन किया था, ये R0 में प्लेस किया। R1 में हमने इमिडिएटली वैल्यू 01 ट्रांसफ़र कर दी। उसके बाद लूप में हमने ये दो इंस्ट्रक्शन यूज़ किए हैं। पहले हमने स्टोर यूज़ कर लिया जिसमें हमने जो मेमोरी लोकेशन है उसमें आपने वैल्यूज़ को 8 वैल्यूज़ को स्टोर करना है। तो R0 में हमने एड्रेस दिया है उस मेमोरी लोकेशन का, तो यहाँ पे आप स्टोर कर लोगे। मूव एस हमने यूज़ किया है स्टेटस को इफेक्ट करने के लिए, और जो R1 में जो वैल्यू है उसको लेफ्ट शिफ्ट मूव करने पे, तो जो भी 01 होगी वैल्यू आपकी लेफ्ट शिफ्ट करेगी 1-1 टाइम और 8 टाइम वो कंसेक्यूटिवली मूव करेगी, और उसी तरह से आपके नंबर्स जो हैं वो स्टोर होते रहेंगे R0 लोकेशन के ऊपर जो भी एड्रेस होगा +4 ऐड करने पे। ये लूप से बाहर आएगा जब आपका कंप्लीट जो रिज़ल्ट होगा वो 0 हो जाएगा, तो 0 फ्लैग सेट हो जाएगा, उसको चेक करके ये तभी लूप से बाहर आएगा। यहाँ पे सेम हमने वैल्यू 2 को R0 से इनिशियलाइज कर दिया और R1 टू R8 को लोड कर दिया। यहाँ पे वैल्यू 1 में हमने दोबारा से जो दूसरा एड्रेस था वो हमने R0 को लोड कर लिया। R1 और R8 में जो भी वैल्यू थी वो हमने स्टोर करवा दी, जो भी मेमोरी लोकेशन आपका H0 में है, और इस तरह से हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो गया। बिल्ड करने के बाद आप क्या करोगे, डिबग में स्टार्ट इसको डिबगिंग करोगे। ओके प्रेस करने पे आपकी ये न्यू विंडो पॉपअप होगी। लेफ्ट साइड आप जितने भी रजिस्टर देख रहे हो ये 1 by 1 जब आप एग्जीक्यूट करोगे स्टेप एग्जीक्यूशन तो ये अफेक्ट होंगे। तो हमारा कर्सर मेन प्रोग्राम में फर्स्ट लाइन पे यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उससे पहले हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा अपने जो भी मेमोरी लोकेशन है। जैसे हमने ये मेमोरी लोकेशन दी है